अब तक आपका सफर कैसा रहा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल सफ़र रहा। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। एंड आई हैव बीन ऑलवेज बीन अ वेरी हार्ड वर्किंग, भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो आई थिंक उसके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसे हम देख रहे हैं कि आप डिज़ाइनिंग भी करते हैं, कई सारे शोज भी हैंडल आउट करते हैं, तो कभी कोई टाइमिंग प्रॉब्लम या कुछ ऐसा नहीं हुआ? देखिए, मेरे के लिए ना बहुत मेरा जुनून है काम करना। मैं 24 घंटे काम करता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे कपड़े बनाना, शोज़ ऑर्गेनाइज करना, और मैं इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करता हूँ। तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशन को पैशन मानते हैं, और मैं इसको बहुत पैशन मानता हूँ। मैं इसकी पूजा करता हूँ, इसकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। हर एक मोमेंट के लिए एक नया ड्रेस है, हर एक चीज़ के लिए एक नई डिज़ाइन है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वेल मेरे पास देखिए, आई टेल यू, मैंने जब अपना स्टोर खोला था तो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही रखा था कि जब कोई मेरी स्टोर पे आएगा तो ये नहीं रहेगा कि मैंने रोहित एक तरह के कपड़े बनाता है। तो आई वॉन्टेड टू गिव अ क्लाइंटेल अ वेरी गुड वेराइटीज़ ऑफ द क्लोथ्स। लाइक यू नो, मेरे पास हर प्रकार के कपड़े हैं, और मैं देखता हूँ कि मेरी हर डिज़ाइन एक दूसरी डिज़ाइन से बहुत डिफरेंट है। तो एक कांदेवली आंटी जो कंजर्वेटिव हैं, उनके लिए गुजराती साड़ी से लेके एक साउथ बॉम्बे की हाई सोसाइटी किची पार्टी वुमन के लिए भी मेरे पास कपड़े हैं। तो आई केटर टू एवरीबॉडी। तो हम जानना चाहेंगे, कुछ आप टिप देना चाहेंगे अपने फैन से? वेल, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। लाइक जो आपको अच्छा लगे वो करो, जो अच्छा लगे वो पहनो। नेवर केयर व्हाट सोसाइटी टॉक्स। यू नो, बहुत जल्दी हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर एक लड़की ने लॉन्ग स्कर्ट पहनी, उसको लग रहा है वो बहुत अच्छी पहनी है, उसके चार दोस्तों ने कहते हैं ये तुम्हारे पास अच्छी लग रही है, तो वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आई थिंक सो, यू लिव फॉर योर ओन सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो अच्छा लगे वो पहनिए, जो अच्छा खाए, जो अच्छा आपको ओके, और जो आपको करने का इच्छा है अपने करियर में उसको आप लीजिए, ना कि या यू नो कि आप फैमिली का प्रेशर लेके या अपने भावनाओं को ठेस पहुंचा के और कॉम्प्रोमाइज करें। बिकॉज यू लिव फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। जैसे हम देख रहे हैं कि बिग बॉस सीजन 8 है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी जीतने की है? मेरे को लगता है गौतम एंड प्रीतम में बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। आज दोनों में से एक जीतेगा। और कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से? बस गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। थैंक यू।